सिंह यानी आप सबकी राधा आज दिखाएंगे आपको अपना मेकअप रूम, कैसे करती हैं वो साज और श्रृंगार, कैसे सजाया है उन्होंने अपने इस रूम को, देखिए हमारे इस वीडियो में। I'll be telling something about my pictures on the wall. सो ये मेरी एक अच्छे से फोटोग्राफर है प्रज्ञेश, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है राधा कृष्ण की, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने ये बनाई, तो बहुत क्यूट सी है और फिर बहुत मेस्ड अप है, बट अब भी आप देख सकते हैं क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है मुझे भी और आपको भी। तो ये भी हाफ रह गई है, ये मिक्की माउस मिनी माउस जो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, ये लिखा मैंने खुद है, बनाया उन्होंने है। तो जब मेरे पास थोड़ा बीच में शूट्स के बीच में टाइम मिलता है तो मैं लिखती रहती हूँ, लाइक वॉट इज शी सेइंग, लुक हाउ हैप्पी आई एम, इट्स गुड टू बी अ कार्टून यू ट्रिकी पीपल। एंड ये भी ये मैंने बनाया है फ्लावर्स, एंड ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने बनाया है एजे ने, हम सब मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये मिरर पे मैंने बहुत कुछ लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्माइली बनाया हुआ है कि हर वक्त हंसते रहो कितनी भी डांट पड़े सेट पर। तो ये मैंने लिखा है, दिस इज़ द मोमेंट यू डिडंट थिंक इट वॉज, दिस हैज़ अ डीप मीनिंग, कि बहुत कुछ सोचने के बाद ये मैंने लिखा है। फिर नीचे लिखा है कि लाफ स्माइल गिगल, लेट सी हाउ यू लिव इट दिस जर्नी, एंड हेयर यू आर देयर यू गो, एंड बिट बाय बिट यू आर ग्रोइंग, येस आई एम ग्रोइंग, सोबर हार्ट एंड फीलिंग आउट लाइफ, ओन हु यू आर, बी पॉजिटिव, डिस्कवर योर सेल्फ, यू कैन डू इट। एंड फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो ये है मेरा राधा कृष्ण का छोटा सा ऐसे लिखा हुआ है। एंड फिर यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात लिखी है कि स्टेयर ब्लैंकली एंड यू विल नो व्हाट इट होल्ड्स, तो बहुत अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि क्या क्या है। ये मैंने स्पीकर बनाया जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि स्पीकर है, ये राधा कृष्ण की पेंटिंग थी जो कि फेड हो चुकी है, बहुत पहले बनाई थी। ये जेरी मेरा फेवरेट, और यहाँ पर कुछ कारीगरी की गई है, और ये मैंने लिखा है एडवाइस द टाइम टू पास स्लोली, उसका मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ये हमारे शो पे लागू होता है, और ये है हमारा मोर पंख जो कि ये हमारा सबसे बड़ा सिंबल हमारे शो का जिसे हम बहुत मानते हैं। और ये हम जो रोज़ मेकअप करने से पहले अगरबत्ती जलाते हैं उसके निशान पड़ चुके हैं, तो वो प्लीज़ माइंड मत कीजिए। ये टेडी बियर है, ये फ्लावर्स बनाए हैं, और ये है मेरा क्यूट सा रूम जो कि बहुत मेस्ड अप है क्योंकि आज मम्मी नहीं आई है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, कि मैं इसलिए इन्हें चूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी आप लो फील करते हैं या कुछ भी हो, इन चीज़ों में जब आप ऑक्यूपाइड रखते हैं अपना दिमाग तो बचपन याद आ जाता है, तो आपको लगता नहीं है कि आप बड़े हो चुके हो, तो आप इन चीज़ों में, तो इसलिए जब भी मैं रूम में आती हूँ तो मुझे बाहर वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे लगता अपना घर है, इसलिए शांति से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटा सा घर है मेरा। एक मोटिवेशनल थॉट यही है जो मैंने इस पर लिखा है, कि बहुत सारे मैंने छोटे छोटे लिखे हैं कि डिस्कवर योर सेल्फ, यू कैन डू इट, बी पॉजिटिव, ओन हु यू आर, एंड ये सब मैं बस ये सब चीज़ें बहुत हिम्मत देती हैं। मैं भी आपको यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव ऑलवेज नो मैटर व्हाट हैपेंस। थैंक यू।